इस पे मैं एग्री करता हूँ, उस समय प्लेयर्स में ईगो आ गया है, 100% सच है, और ये वही समझ सकता है भाई रहेगा बेटा टॉप रैंकर इज्जत से आ। और जो अभी गेमिंग कम्युनिटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जैसे हैकिंग का हो गया, इन्विटेशनल स्लॉट्स का हो गया, बहुत सारी चीज़ें यार। मतलब एक तो छोटे मोटे पॉइंटर्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो बहुत सारे एज अ अंडरडॉग जब मैं खुद भी था, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, राइट। तो मुझे पता है वो प्रॉब्लम्स क्या है, और वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन एट द टाइम पीरियड, मतलब जितना मैंने टाइम स्पेंड किया, और मुझे दिमाग में आता था कि भाई ये इजीली सोल्यूशन इसका निकल सकता है और हम लोग निकाल लेंगे। अभी इंडस्ट्री अपनी इतनी ग्रो हो चुकी है ना कि सब लोगों को मतलब ऊपर का दिख रहा है, नीचे जो ग्रास रूट पे डैमेज चल रहा है ना वो किसी को नहीं पता है क्या। मतलब एकदम एकदम करेक्ट पॉइंट बोला है आतंक भाई ने, करके नीचे क्या चल रहा है ना वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। सबको ऊपर ऊपर से लगता है कि भाई बहुत इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग पैसा कमा रहे, फेम कमा रहे, बट नीचे क्या चल रहा है ना वो किसी को नहीं पता। मतलब ऑडियंस को, लोगों को पता है, जिनको पता है किसी पे पावर नहीं है और किसी को कुछ करना नहीं है जिस पे पावर है, तो उस चीज़ को हम लोग और स्ट्रेंथन करेंगे। घातक भाई ने ना जब वो गेम रूम के हम स्क्रीम्स करवा रहे थे भाई, मेरे को इतना सपोर्ट किया था ना चीज़ों में, इतना सपोर्ट किया था, और हमने बिल्ड करी बहुत अच्छी कम्युनिटी। उस टाइम की कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी थी जो हमने बिल्ड करी थी, उसमें आप भी थे और भी लोग हैं जो थे। 2019-2020 विलेजर्स स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स नेटवर्क, ये वो जब चलता था ना वो मजा आता था वो टाइम। ये एकदम सच्ची बात है गाइस, इस पे मैं एग्री करता हूँ। उस समय जो स्क्रीम्स चलती थी, उस समय के जो लोग थे, वो इट वॉज बेस्ट, बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छा लगता वो था, वो इमोशन था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इमोशन दोबारा से वापस आए। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बोलते नहीं है प्लेयर जी, लाइव नहीं जाते, स्ट्रीम नहीं करते, जहाँ पे बोलने की जरूरत है बोलो, लोगों को क्लियर पिक्चर दिखाओ, कौन सही खेल रहा है, कौन सी टीम अच्छी खेल रही है, कौन सा प्लेयर एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, राइट। हम लोगों ने हवा बना के रखा है, मतलब एक बबल में जी रहे हम लोग, कि जहाँ पे हम लोग जिनको सर पे लेके चल रहे हैं ना, वो खुद एक स्पोर्ट्स एथलीट का एटीट्यूड लेके कैरी नहीं कर रहा है इसी डेट में, वो खुद इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो क्या एग्जांपल सेट करेंगे नए प्लेयर्स के लिए। मतलब ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज को सच्चाई वाली बात है, एकदम 100% कंपनी छोड़ के नया ये काम चालू किया कि भाई नए प्लेयर्स लाऊं, राइट। तो ये मुझे करना है बस, बिल्कुल। आई थिंक प्रॉब्लम है ना सिस्टम के अंदर, प्रॉब्लम है। हमने ट्रांसफर्स भी देखे हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स। ये चीज गाइस मैंने 2 दिन पहले बोली थी कि प्लेयर्स में ईगो आ गया है, सब खुद को बेस्ट समझने लग गए हैं, और जो वो गेम का पैशन था ना वो धीरे धीरे प्लेयर्स के अंदर कम हो गया है। ये चीज़ मैंने बोली थी, वही चीज़ घातक भाई ने पॉडकास्ट में बोला है, जो कि 100% सच है। और ये वही समझ सकता है जो ओल्ड है, जिनको पता है, जो एकदम नीचे से आया है, जो पहले से आया है, हर कोई नहीं समझ में होते हैं, बट वो स्टेबिलिटी।